अब हम लोग देखते हैं स्पेशली कि जो एस्कोमाइसीट्स होते हैं या फिर सैक फंजाइज होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं। तो चलिएगा, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्कोमाइसीट्स या फिर सैक फंजाइज के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को उठा के इस नाम से आपसे पूछा जा सकता है। चलिएगा, पहला देखते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर्स जो सैक फंजाइज होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब जितने भी पाए जाएंगे उनमें से सबसे ज़्यादा क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। जैसे हम लोग यहाँ बस एग्जांपल देख लेते हैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम कैसा होता है, मल्टी सेलुलर फंगस है जो कि एक स्पेशली सैक फंजाई का ही टाइप है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पास क्या बोल रहा है, सम आर यूनिसेलुलर ईस्ट, यहाँ पास बोल रहा है कि कुछ जो होते हैं सैक फंजाइज या फिर एस्कोमाइसीट्स वो लोग यूनिसेलुलर भी होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, स्पेशली आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन है तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्लियर है गाइज। और मोस्टली क्या होते हैं, सैक फंजाइज होते हैं मल्टी सेल्युलर। चलिए अगर न्यूट्रिशन की बात कर लें तो ये लोग होते हैं सैप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर का मतलब मैंने समझाया है कि भाई जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उसको डिकम्पोज करने में ये फंजाइज भी काम में आते हैं। पैरासाइटिक हो सकते हैं, है ना, क्या है कि ये लोग लिविंग बॉडी के अंदर रह के उनको हार्म पहुँचा सकते हैं या फिर शरीर के बाहर रह के भी हार्म पहुँचा सकते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब बाहर और एंडोपैरासाइट मतलब इनसाइड दी बॉडी। चलिएगा, यहाँ पास एक स्पेशल टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कॉप्रोफेगस, क्लियर है गाइस। कॉप्रोफेगस जो होता है, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉप्रोफेगस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर फंजाइज होते हैं, उन फंजाइज को क्या बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे सैक फंजाई या फिर एस्कोमाइसीट्स। विच आर ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब जो गोबर वगैरह में या फिर डंग वगैरह में क्या कर जाते हैं, ग्रो करते हैं, ऐसे फंजाइज को हम लोग स्पेशली कॉप्रोफेगस कैटेगरी में स्पेशली बात करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, कॉप्रोफेगस इज एस्कोमाइसीट और दी सैक फंजाई, ओके, क्लियर है गाइस। चलिएगा, स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इनकी जो माइसीलियम होती है वो स्पेशली क्या होगी, ब्रांच्ड होगी, ठीक है, ऐसे ब्रांच दिखेगी आपको, और इनमें सेप्टास प्रेजेंट होंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पास कि मैंने यहाँ पास सेप्टास बना दिए हैं, और इनमें क्या है, हर एक के अंदर क्या है, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इनकी जो ये माइसिलियम होगी वो होगी ब्रांच्ड, यहाँ पास आपको एक सिंगल यहाँ पास दिखा, उसके बाद फिर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गई और ये सेप्टेड भी हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, माइसिलियम ऑफ एस्कोमाइसीट्स आर दी क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। लेकिन हमने फाइकोमाइसीट्स में डिस्कस किया है कि उनमें ब्रांच्ड नहीं होते और उनमें सेप्टास प्रेजेंट नहीं होते, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर जो स्पेशली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया, इनमें जो होता है सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है कोनिडिया के थ्रू। जो कोनिडिया होगा उसके अंदर एक्सोजीनसली स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा, ये मान लेते हैं कि इसका माइसिलियम है और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसकी ऊपर वाली बॉडी, ये माइसिलियम है या फिर ये हाइफी और ये कंप्लीट माइसिलियम, और ये उसकी क्या हो गई, स्टॉक हो गई। इस स्टॉक में क्या है कि यहाँ पास दीज आर दी कोनिडिया, इसको हम लोग कंप्लीटली क्या बोल रहे हैं, कोनिडिया बोल रहे हैं। कोनिडिया के बाहर में देख रहे हैं आप लोग कुछ स्पोर्स लगे हुए हैं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पास देखिएगा कि यहाँ बस स्पोर्स बने हुए हैं, और स्पोर्स कैसे लगे हुए हैं, एक्सोजीनसली। तो इस चीज़ को आप लिखेंगे कि भाई जो कोनिडिया है वो कैसे हैं, एक्सोजीनसली स्पोर्स को फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब इनका डिस्पर्सन हो जाएगा और वो जाएंगे जर्मिनेट करने, और जब वो जर्मिनेट करने जाएंगे तो फिर न्यू माइसिलियम या फिर न्यू फंगल बॉडी का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, कोनिडिया के थ्रू और एक्सोजीनसली स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है गाइस। चलिएगा, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअल में सैक फंजाइज में कैसे होता है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एस्को स्पोर्स के थ्रू होता है, इनमें कैसे होता है, यहाँ पास हमने देखा कोनिडिया के अंदर हो रहा है एक्सोजीनस, क्लियर है। यहाँ पास आप लोग याद रखेंगे एस्को स्पोर्स के थ्रू होगा, वो भी एंडोजीनसली, क्लियर है। तो एस्को स्पोर्स के थ्रू एंडोजीनसली
होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर, एसआई के अंदर या फिर एस्कस के अंदर। एस्कस क्या बोलते हैं देखिएगा, अरेंज्ड एस्कस जो होते हैं अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प्स। देखिए यहाँ पास मैंने सपोज टू बी मैंने यहाँ पास क्या बना दिया, एक फ्रूटिंग बॉडी बना दी, ये क्या हो गई हमारी फ्रूटिंग बॉडी हो गई। तो इसी को क्या बोल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पास एस्कोकार्प बोल दे रहे हैं, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। और जब ये एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली यहाँ पास बन रहे हैं तो जब ये लोग जर्मिनेट होंगे तो क्या बना लेंगे ये लोग, न्यू माइसिलियम बॉडी या फिर न्यू फंगल बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पास। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोलिडिया के थ्रू एक्सोजिनसली होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एस्कोस्पोर्स के थ्रू, एसआई जो होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज्ड होते हैं और उनको बोलते हैं एस्कोकार्प्स, और एस्कोकार्प्स के अंदर क्या होते हैं एस्कोस्पोर्स होते हैं, और ये स्पेशली बनते हैं एंडोजिनसली। तो इन पॉइंट्स को आप लोग स्पेशली याद रखेंगे। अब यहाँ पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आने वाला है, इन दोनों पॉइंट्स को पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में, तो बिल्कुल याद रखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पास एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, नाका एस्कोमाइसीट्स, जो एस्कोमाइसीट्स हैं वो लास्ट वाला जो ये ए है इसे आपको याद रखना है एस्कोमाइसीट्स। स्टार्टिंग में है न्यूरोस्पोरा, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, ए फॉर एस्परजिलस और सी फॉर क्लेविसेप। तो आप लोग याद रखेंगे नाका इज न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और एस्कोमाइसीट्स। और हमारे यहाँ पास स्पेशली दो एग्जाम्पल्स और लिखे हुए हैं, पहला क्या है अपना पेनिसिलम और यीस्ट, तो ये दो एग्जाम्पल्स भी आपको याद में होने चाहिए। अब देखिए भाई जो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वो ये है कि ईडेबल फंजाइज कौन होते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर दी ईडेबल फंजाइज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पास देखते हैं न्यूरोस्पोरा के बारे में, न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सैक फंजाई होती है न्यूरोस्पोरा वो बायोकेमिकल या फिर जेनेटिक वर्क्स में यूज होता है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपको देख के पूछा जा सकता है कि ये सैक फंजाई है एक्चुअल में कि नहीं है। यहाँ पास जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पास यूनिसेलुलर यीस्ट, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में। यहाँ पास कैप्रोफेगस जो कि होते हैं ग्रोइंग ऑन डंग फंगस, उनको पूछा जा सकता है आपसे। इनका जो माइसिलियम होगा वो ब्रांच्ड होगा और सेप्टेड होगा, इस चीज़ को भी आप लोग याद में रखेंगे। यहाँ पास असेक्सुअल कोनिडिया और एक्सोजिनसली, क्लियर है गाइस। चलिए यहाँ पास बात करें सेक्सुअल में, एस्कोकार्प्स के अंदर होगा एंडोजिनसली एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन, यहाँ पास स्पेशली याद रखेंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर है। न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स आर दी एस्कोमाइसीट्स। यहाँ पास इडेबल फंजाई भी पूछा जा सकता है आपसे बिल्कुल, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।